मध्य प्रदेश में अब गायों की सेवा के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान गौ सेवा का एक अधिकारी भी नियुक्त करेंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शुक्रवार को भोपाल में आयोजित गौ रक्षा सम्मेलन के दौरान इस बात का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश की सरकार गायों की सुरक्षा और उनके संवर्धन के लिए व्यापक योजना ला रही है। उन्होंने कहा कि अब तक प्रशासनिक अधिकारियों की पूरी टीम गायों की सेवा के लिए लगाई जाती है, इसलिए उनकी सेवा ठीक से नहीं हो पाती है। इसके लिए अब प्रदेश में हर जिले में अपर कलेक्टर स्तर का एक अधिकारी नियुक्त किया जाएगा और एक गौशालाओं के प्रबंधन और गौशाला से संबंधित समस्याओं के लिए कोई एक डेडिकेटेड अधिकारी जिले में होना चाहिए, क्योंकि सब देखते हैं तो कोई नहीं देखता, और इसलिए अपर कलेक्टर स्तर का एक अधिकारी जिले की गौशालाओं के प्रबंधन के लिए और जो समस्या आती है उनके समाधानों के लिए अलग से नियुक्त कर दिया जाएगा, ताकि हमारे गौसेवक भी अगर संवाद और संपर्क करना हो तो उससे संपर्क करें, उसका नंबर भी जारी कर दिया जाएगा। ये एक अच्छा प्रारंभ हुआ है, एक अच्छा प्रारंभ हुआ है। ऐसा सम्मेलन और चिंतन शिविर हर साल हम करेंगे, क्योंकि और समस्या आएगी तो उसका बेहतर समाधान कैसे हो, तो साल में गौ सेवकों का एक सम्मेलन विचार विमर्श के लिए किया जाएगा। आप सब सहमत है ना? अरे है तो जोर से बोलो ना।